ऑब्वियस लाइफ। यह पवित्र स्थान गोला से 2 किलोमीटर दूर कंजा देवस्थान ब्रह्म बाबा हनुमान मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर तमाम लोगों की मनोतियाँ पूरी होती हैं। जिनकी मनोतियाँ पूरी हुई उन्होंने अपने बोर्ड यहाँ लगवाए हैं। यहाँ पे उपनयन संस्कार होते हैं, शिखावंदन और अन्नप्राशन संस्कार भी होते हैं। यहाँ स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी द्वारा रेत और बालू से स्थापित हनुमान जी की 12 फुट ऊंची प्रतिमा है, जो बहुत ही चित्ताकर्षक है और बहुत ही फलदायी देने वाली। यह स्थान 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ स्थापित है। कंजा देवस्थान के प्रमुख कर्ता धर्ता स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी के अंतिम संस्कार के समय उनका स्नान कराते श्रद्धालु स्नान के बाद वस्त्र पहनाते हुए भानपुरा पीठ से आए शंकराचार्य स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी। यह समाधि स्थल है जिसमें स्वामी विश्वात्मानंद जी को समाधि के लिए उतारा जा रहा है भक्तों के सहयोग से। इसी स्थान पर स्वामी जी को समाधि दी जा रही है। नीचे बैठे भक्त समाधिस्थ कर रहे हैं स्वामी जी को। स्वामी जी के अंतिम दर्शन, पवित्र और अंतिम दर्शन इस अवसर पर भानपुरा पीठ से स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ शंकराचार्य जी पुलिस की उपस्थिति में। कंजा स्थान का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कंजा स्थान से एक सभी भक्तों का बहुत बड़ा लगाव था, बाबा से आने जाने वालों का एक बहुत अच्छा लगाव था, बहुत अच्छा संपर्क था। बाबा गोला आते थे साइकिल से, साइकिल चला के सारा सामान चट्टा ले जाके, और कंजा स्थान का जो निर्माण का कार्य है वो भी हम लोगों ने नगर और क्षेत्र वासियों से इकट्ठा करके निर्माण का कार्य कराया है। आज बाबा की उम्र कम से कम 109 साल की होगी। 109 साल के बाद वो समाधिस्थ हुए हैं। हमारा परिचय तो इनसे करीब 2013 के करीब हुआ था। पहली भेंट जैसा कि मुझे याद है 2013 में, फिर स्वामी जी ने कहा कि अगर ये स्थान आप नहीं संभालोगे तो हम किसके किसके पास जाए। हमने कहा बहुत साधु हैं, उन्होंने कहा मैंने बहुतों को कहा हुआ, रह भी जाएंगे तो इस स्थान को बेच देंगे। और मेरी ये इच्छा है कि ये धरती यहीं के यहीं और भगवान के नाम की रहे। हाँ, अभी यहाँ एक अव्यवस्था बहुत बड़ी है, जो जिला प्रशासन और राज्य शासन की दृष्टि में नहीं है। वर्षा में यहाँ जल रुकता है, जिसके कारण कांवरियों को बहुत परेशानी होती है, कीचड़ हो जाता है, पानी कई दिन तक भरा रह जाया करता है। जी, उन चित्रों को हमने यहाँ उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकार को भी, पूर्व सरकार के मंत्रियों को भी, और वर्तमान में भी वर्तमान सरकार को पिछले वर्षा ऋतु में मुख्यमंत्री योगी जी को भी, कई मंत्रियों को, मौर्य जी को, दिनेश जी को वो जो पत्रक थे वो पत्रक भिजवाए, लेकिन स्थानीय जिला प्रशासन ने उसका स्वरूप बदल करके जन शिकायत को परिवर्तित कर दिया। तो आप लोगों के माध्यम से मैं चाहूँगा कि स्वामी जी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज, जो उन्होंने इस स्थान का के संस्थापक रहे, आज वो समाधिस्थ हो गए हैं, उनके प्रति अगर राज्य सरकार की श्रद्धा है, श्रद्धांजलि है, तो इस मार्ग में वर्षा ऋतु में कांवड़ियों के आने जाने में कोई अवरोध ना हो, ये मेरी बात राज्य सरकार तक भी पहुँचे। तो आज तो स्वामी जी समाधिस्थ हुए हैं, इस पर यहाँ जिन सेवादारों को, जिन भक्तों को, श्रद्धालुओं को जो जिम्मेदारी निभाते हैं, उनको और एक नई जिम्मेदारी दी गई है कि स्वामी जी महाराज जी की एक समाधि जैसी उनकी इच्छा थी जी वैसा एक निर्माण कार्य हो। सबका बड़ा बड़ा सहयोग रहा। आप बहुत संदेश के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार इतना जरूर कहूँगा कि यहाँ के चित्रों को भी प्रसारित कर दीजिए।